कहानी है तो आसान नहीं, आसान हो तो कहानी नहीं बनेगी। वक्त सभी को देता है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। दुनिया वक्त का गुलाम है, लेकिन कुछ अलग करना है, कुछ नई कुछ बेहतर, तो वक्त का गुलाम नहीं, वक्त को गुलाम बनाना है। हमारा हाथ में नहीं होगा या हम कर नहीं पाएंगे। कमजोरी हमारा अंदर ही है। कमजोरी को आदत बनाओगे तो वक्त का गुलाम बन जाओगे। ऐसी आदत पकड़ो जो आदत वक्त को गुलाम कर देगा। ऐसी ही क्या आदत है जो वक्त को गुलाम बना दे। ऐसी एक आदत एक कहानी में राजा ने पकड़ा। ऐसी एक कहानी है जो राक्षस रावण को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी आदत ने जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से गुलामी करता था, उस राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा चक्कूबेन की कहानी किसी पुस्तक में नहीं देखा है, परंपरा से लोक विख्यात है। ये चक्कूबेन का इतिहास वास्तविक है या काल्पनिक ये पता नहीं। जो भी कुछ हो, हमें तो इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये इस प्रकार की कहानी है। एक समय चक्कूबेन नाम के एक राजा हुए थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, स्वावलंबी, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भक्त, तेजस्वी, तपस्वी, ये सारा चीज को मिला जुला जाए तो वो राजा एक उच्च कोटि का अनुभवी महापुरुष। वे राजा के द्रव्य को दूषित समझकर उसे स्वयं अपनी और अपनी पत्नी के काम में नहीं लाते थे। प्रजा से जो कुछ कर लाया जाता था वह सारा का सारा प्रजा की ही सेवा में लगा दिया जाता था। वो अपनी शरीर निर्वाह के लिए अलग से खेती किया करते थे और उसमें रानी भी शामिल हुआ करती थी। उसमें से जो उपजा था, रुई, गन्ना, खेती, फल, साग, सब्जी, वो सारे चीज का वो खुद इस्तेमाल करते थे। जैसे रुई हुआ कपड़ा बना के पहनने का, और फल साग सब्जी अपनी खाने में इस्तेमाल किया करते। खेती के सिवा उन्हें राज्य का कार्य में भी समय देना पड़ता था। उनका जीवन एक सीधे साधी सदाचारी किसान जैसा था। 6 घंटे शयन के सिवा उनका सारा समय ईश्वर भक्ति, परोपकार, राज्य कार्य और कृषि के कार्य में ही व्यतीत था। उनका सब जीवों के प्रति ममता, दया और प्रेम का भाव समान था। वे सब प्राणियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर सबकी निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते थे। वे स्वावलंबी थे, अपने शरीर का काम स्वयं ही करते थे, किसी भी राज्य की कर्मचारी या नौकर आदि से नहीं किया करते थे। वे जो कुछ भी करते थे आसक्ति और अहंकार से रहित होकर बड़े ही उत्साह और धैर्य से किया करते। एक दिन का बात है, जिस देश में राजा चक्कूबेन रहते थे वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगा। उसमें नगर की अन्य प्रांतों से लोग भारी भीड़ संख्या में इकट्ठा हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए ये तो बराबर ही लोग आते रहे। मेले के कारण नर नारियों की भीड़ कुछ अधिक होती रही। राजा के पास अधिकतर पुरुष और रानी के पास अधिकतर स्त्रियां इकट्ठा होने लगे। एक दिन बहुत से गहने और रश्मि वस्त्रों से सजी धजी अनेक दासियों से घिरी हुई बहुत सी धनी व्यापारियों की स्त्री रानी की दर्शन करने के लिए उनके पास आईं। उन स्त्रियों ने कहा, रानी जी, आपकी जैसा वस्त्र तो हमारी मजदूरियां भी नहीं पहनती। आप हमारी दासियों को देखिए कैसे वस्त्राभूषण पहने हैं। आप हमारी स्वामिनी है, इसलिए हमें आपको इस वस्त्र में देखकर दुखी होते हैं। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारिन भी नहीं पहनती। एक सम्राट की महारानी जैसे वस्त्राभूषण होनी चाहिए, हम उस रूप में आपको देखना चाहती है। इस प्रकार कहकर वे अपने प्रभाव डालकर चली गई। रानी की चित पर ये बात चिपक गई। जो कुछ दिन में हुआ धनी व्यापारियों की स्त्री ने कहा था सब राजा से निवेदन किया एवं उनसे अनुरोध किया कि मेरे पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर की बात है, मैं राज्य की पैसा को छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु वस्त्र आभूषण से सजी धजी धनियों की स्त्री को देखकर उन पर काफी असर पड़ चुका था। अतः रानी ने कहा, चाहे जैसा भी हो, आप सम्राट हैं और मैं आपकी पात्रानी हूँ। मेरे लिए तो एक सम्राट की पात्रानी की योग्य बहुमूल्य वस्त्राभूषण मंगाने की कृपा आपको करनी होगी। पत्नी की प्रीत से प्रेरित राजा ने सोचा, रानी कितना भी आग्रह क्यों ना करे, मैं राज्य के द्रव्य को तो किसी भी हालत में उपयोग में ला नहीं सकता, किंतु मैं सम्राट हूँ, दुष्ट अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर ले सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने
पर राष्ट्रों तथा अधीनस्थ राज्यों के कार्य का संपादन करने वाला मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्री आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कहिए कि राजा चक्रवेण की ओर से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर के रूप में सवा मान सोना प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को लेकर रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राजसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवेण का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभा सदस्यों को कहा, देखो ऐसी मूर्ख राजा भी संसार में अभी है जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से कर लेने वाला मुझ जैसे बलवान सर्वतंत्र स्वतंत्र महान सम्राट से भी कर किया सारक। उन्होंने राजा चक्रवेण के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभा सदस्यों ने अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आया। तदनंतर रावण जब रात्रि में मंदोदरी के पास महल में गया तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा, भारत वर्ष में चक्रवेण नाम का कोई एक राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझसे सवा मान स्वर्ण कर लेने के लिए बोला है। इस पर बड़ी हंसी आई। देखो संसार में ऐसे मूर्ख भी अभी तक जीते हैं जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं। मैं तो उसके दूत को कैद करना चाहता था पर सदस्यों की अनुरोध से उसे छोड़ दिया। मंदोदरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, स्वामी आपने बहुत बुरा किया। चक्रवेण को मैं जानती हूँ, वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा है। उनका चक्र चलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतोष कराकर ही आपको उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको संतोष करा दें, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। रावण बोला, तू बड़ी डरपोक है, मामूली मनुष्य राजाओं से तू इतनी भय कैसे करती हो? मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। रानी ने कहा, कल प्रातः काल में आपको चक्रवेण का प्रभाव दिखलाऊंगी। प्रातः होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल के छत पर गई, जहां पर रोज कबूतर को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वहां बहुत से कबूतर आया करते हैं। मंदोदरी ने दाने चुगते हुए पक्षियों से कहा, राजा रावण की दुहाई है, खबरदार दाना ना चुगना। किंतु वे चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा, देखिए आपकी सम्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते ही रहे। रावण ने कहा, मूर्ख हैं ये पक्षी बिचारे, क्या समझे। मंदोदरी बोली, अब आप राजा चक्रवेण की प्रभाव देखिए। फिर उसने पक्षियों से कहा, सावधान चक्रवेण की दुहाई है, कोई दाने ना चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहरा था, वह कुछ भी सुना नहीं, अतः उसने दाना उठा लिया। ज्यों दाना उठाया वैसे ही उसकी गर्दन टूट कर गिर गया। रानी ने रावण से कहा, देखिए राजा चक्रवेण की दुहाई देने पर दाने चुगने बंद नहीं किया, पर एक कबूतर ने जैसे ही दाना चुगना बंद नहीं किया उसने ऐसी हालत हो गई जिससे चक्रवेण की चक्र से उसका मस्तक कट कर गिर गया। फिर रानी ने पक्षियों से बोली, अब मैं चक्रवेण की दुहाई हटा लेता हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाने चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारा सम्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुहाई है, किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह ना की और वे दाने चुगते ही रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देखिए आपका इन पक्षियों पर कोई भी असर नहीं होता, परंतु राजा चक्रवेण की प्रभाव पर विचार कीजिए, उनके सामने ना रहते हुए भी उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारी इसमें कोई माया है, नहीं तो ये पक्षी बिचारे क्या समझे। ऐसा कहकर रावण टल मोटल करके राजसभा में चला गया। इधर राजा
चक्रवर्ण की मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना कजल के समान अत्यंत महीन मिट्टी के समुद्र के जल में घोलकर रावण की तरह बना लिया तथा तट की जगहों के चौरस बनाकर उस पर उस मिट्टी से एक छोटी आकार में नकली लंका की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों के टपका टपका कर उससे लंका के परकोटे, बुर्ज, दरवाजे आदि का रचना की। परकोटे के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए एवं उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों के भी छोटे छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उससे बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं आपको एक कौतूहल दिखलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण कौतूहल देखने को इच्छुक हो गया और कुछ सभा सदस्यों के साथ लेकर समुद्र तट पर गया, जहाँ उस मंत्री ने छोटे आकार में नकली लंका की रचना की थी। उसने रावण से पूछा, देखिए, यह ठीक ठीक आपकी लंका की नकली है ना? रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी को देखी और कहा, ठीक है, क्या यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ ले आए थे? मंत्री बोला, नहीं नहीं, इस लंका से आपको मैं एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोट, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ जैसे कि तैसा दिख रहा है ना? रावण ने कहा, दिख रहा है। मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे को मैं राजा चक्रवर्ण की दुहाई देकर गिराता हूँ, उसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिराते हुए देखेंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चक्रवर्ण की दुहाई है कहकर अपनी रची लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरा दिया। उनके गिरने के साथ साथ ही रावण की असली लंका के पूर्व द्वार की कंगूरे गिरते हुए दिखाई दिए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद दूत ने कहा, अब मैं अपनी रची हुई लंका के पूर्व के परकोट द्वार के आस पास की चारों बुर्जे मिटाता हूँ, इसके साथ साथ ही आप अपनी असली लंका की बुर्जों को भी मिटती हुए देखेंगे। यह कहकर उसने चक्रवर्ण की दुहाई देकर अपनी बनाई हुई मिट्टी की लंका की बुर्जे मिटा दी। उसके साथ ही रावण की असली लंका की पूर्व द्वार के बुर्जे भी चुन चुन कर गिर उठा। यह देखकर रावण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे मंदोदरी की कई हुई बातें चुभने लगा। तदनंतर राजा चक्रवर्ण के मंत्री ने कहा, राजन, आप यदि सवामान सुना कर के रूप में नहीं देंगे तो ही राजा चक्रवर्ण को आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा चक्रवर्ण की प्रभाव का चक्र चलता है, मैं अकेले ही आपकी लंका को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी हूँ। अभी राजा चक्रवर्ण की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट कर देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सके तो कर ले, यदि आपको लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में सवामान सोना दे दीजिए, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। रावण ने सोचा, मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार की कंगूरे और चारों बुर्ज गिरा दिया। जो धातु निर्मित है बहुत ही मजबूत थी, इस प्रकार इस सारी लंका को नष्ट करना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह सोचकर रावण ने सवा मान सोना कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलिए मैं आपको सवा मान सोना देता हूँ। तत्पश्चात उन्हें सवा मान सोना देकर विदा कर दिया। मंत्री सवा मान सोना लेकर राजा चक्रवर्ण के पास लौट आया। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने सवा मान सोना रख दिया और कहा, आपकी आज्ञा से रावण से कर के रूप में सवा मान सोना ले आया हूँ। राजा के यह पूछने पर कि तुमने यह सोना कैसे प्राप्त किया, उसने अद्यपान्त सारी घटना उनको कह सुनाई। यह घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। यह क्या बात है? राजा ने कहा, हम लोग स्वावलंबी होकर परिश्रम पूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हुए वैराग और त्याग पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं और निष्काम भाव से प्रजा के धन को प्रजा की सेवा में ही लगा देते हैं।
अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसे को छूते तक भी नहीं। इसका यह प्रभाव है। यह सुनकर रानी के दिल बदल गया। रानी बोली, स्वामी मैं बहुमूल्य वस्त्राभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम से रहती आई हूँ वैसे ही रहूंगी, कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगी।